आपने पर्यावरण को बचाने के लिए पहाड़ों और खाली पड़ी जमीन में पौधारोपण होते देखा होगा, लेकिन सोलन के टैंक रोड पर पर्यावरण को बचाने के लिए नहीं बल्कि जिला प्रशासन और नगर परिषद की आंखें खोलने के लिए पौधारोपण किया गया और ये पौधारोपण सड़क के बीचों बीच पड़े बड़े बड़े गड्ढों में किया गया ताकि नगर परिषद शर्मिंदा होकर कई महीनों से पड़े इन गड्ढों को भरे और टैंक रोड तथा फॉरेस्ट रोड वासियों की परेशानी को समझे और उनकी कोई सुध ले। इस मौके पर क्षेत्र वासियों ने सड़क में पौधारोपण करते हुए कहा कि वे सड़कों की दुर्दशा के बारे में कई बार पार्षदों और जिला प्रशासन को सूचित कर चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस पर ना तो वह पैदल चल पा रहे हैं और ना ही वाहन चला पा रहे हैं, इसीलिए क्यों ना सड़क में पड़े बड़े बड़े गड्ढों में पौधारोपण कर दें ताकि नगर परिषद को उनकी कुंभकर्णी नींद से जगाया जा सके। साथ में यह चेतावनी भी दी है कि अगर जिला प्रशासन फिर भी नहीं जागा तो वह सड़क पर पौधे रोपकर सड़क को हमेशा के लिए ही बंद कर देंगे। उन्होंने ये कहा कि सड़कों में पड़े गड्ढों की वजह से जहां एक और उनकी लाखों की गाड़ियां कवाड़ हो चुकी हैं, वहीं साथ में रोज दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। आपको बता दें कि सोलन शहर में टैंक रोड, सेरी रोड, डमरोग रोड, सप्रोन गुरुद्वारा रोड, जोनाजी रोड, मिनी सचिवालय रोड, देवघाट रोड, सुबाथू रोड के अलावा भी ऐसी बहुत सी सड़कें हैं जिनकी हालत बेहद खस्ता है। लेकिन क्या प्रत्येक रोड पर इस तरह के धरने पर प्रदर्शन होंगे तभी प्रशासन अपनी नींद से जागेगा या खुद ही वह अपनी दायित्व का निर्वाह करेगा? ये सवाल आज भी जिलावासियों के जहन में है। हमने आज यहाँ के लोगों ने इकट्ठे होकर एक सरकार को जताया है पौधे लगा के सड़क में कि हम इन गड्ढों से अच्छा तो है पौधे लगा दें सड़क में ताकि गाड़ियां भी रुक जाए आने जाने से और एक्सीडेंट होने से बच जाए। हर रोज कुछ ना कुछ कोई स्कूटी गिरती है, कई बार लड़कियां आती हैं फिर दूसरे को कहेंगी धक्का लगाओ तब हम यहां से क्रॉस करेंगे। अगर रोड बनती भी है तो मटीरियल इसमें सही नहीं लगाते। हम इसीलिए पौधे लगाए हैं ये खड्डों में ताकि प्रशासन का इस तरफ ध्यान जाए और ये इनको भरने की कोशिश करें ताकि कोई किसी तरह की भी दुर्घटना ना हो। तो यहाँ बॉय स्कूल से लेकर डमरोग तक मैंने नहीं कभी देखा कि इस रोड की कभी रिपेयर पूरी रिपेयर हुई है, मेटल हुआ हो। तो अब इसमें यह नहीं पता कि इसमें क्या कमी है, क्यों प्रशासन इतना ढील बरत रहा है इसमें। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट, गुजारिश है, बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन गड्ढों को भरें। आज हमने यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह की है ताकि जिला प्रशासन थोड़ा सा जागे, कुछ दुर्घटना ना हो, वो रोड का काम करे जल्दी जल्दी। रोज हम यहाँ से जाते हैं, बिजी रोड है, कोई दुर्घटना हो सकती है, इतने सारे गड्ढे हैं, गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन जल्दी जल्दी इस रोड के मेटलिंग कराए। बरसात में तो चलो हम मानते हैं वैसे भी हो ही जाती है, तो ये अगर एक बारी ठीक हो जाए, नीचे भी तो करवाए, यहाँ तक करवा देते, क्या फर्क पड़ना था। तो आगे भी हुआ है, बीच में क्यों छोड़ा इतना पोर्स? हमें चाहते हैं जल्दी जल्दी, हाँ ये तो हमें इससे तो है, अभी जल्दी इसको ठीक करवाया जाए, रिपेयर कराओ जो भी करवाना है, या कुछ लेबर ऐसी रखो अपनी, एक दो आदमी कभी इधर आ गए, कभी नीचे चले गए, कभी ये हमारा कहना है।